हेलो। तो आप सभी का स्वागत है आज के पहले लेक्चर में। और ये लेक्चर सीरीज मैं बना रहा हूँ मैटलैब के लिए। मैटलैब मैं आपको सिखाऊंगा 0 से लेके 100 तक। हम इसमें एंड तक जाकर हम इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ सिस्टम्स भी बनाएंगे आखिर में। और उससे पहले मैं आपको 0 से सिखाऊंगा। आपका बस प्री रिक्विजिट इतना है कि आपको थोड़ा बहुत आपको मैथ्स आपने सुना हो, कर भी ना रखा हो तो भी चलेगा, वो आप कर लेना। साथ साथ मैट्रिसेस आपको बताओ क्या होते हैं, एरेज आपको बताऊं क्या होते हैं। अगर आपको थोड़ा प्रोग्रामिंग नॉलेज भी है, जैसे आपको पता है कि वेरिएबल्स भी होते हैं, कुछ वेरिएबल्स इंटीजर टाइप होते हैं, डबल टाइप होते हैं, ये सब आपको बेसिक बेसिक चीज़ें भी अगर आइडिया है तो भी बहुत हेल्प हो जाएगी। नहीं तो नहीं है तो मैं बताऊंगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप सिर्फ मेरे साथ चलिए, साथ साथ चलिए और थोड़ा प्रैक्टिस करते जाइए। जो जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें एक बार अपने जहन में उतारते जाइए तो आप इसको सीख जाएंगे। ठीक है, तो अब ज्यादा ना बात करते हुए हम शुरुआत करते हैं। अगर आप मैटलैब खोलते हैं तो आपकी स्क्रीन ऐसी कुछ खुल के आती है। हो सकता है आपकी स्क्रीन ऐसी ना खुल के आए, आपकी स्क्रीन कुछ ऐसे खुल के आ जाए, यहाँ कमांड विंडो कुछ करके लिखा हो, यहाँ कुछ वर्क स्पेस हो, करंट फोल्डर हो, यहाँ पे इसका मतलब होता है कि आप इस वक्त किस फोल्डर में। तो ये सब चीजें मैं बताऊंगा धीरे धीरे। तो ये चीजें काम की होती है। कमांड विंडो, यहाँ पर आप अपने कमांड्स टाइप करते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी कमांड देंगे। कोई वेरिएबल आपको डिफाइन करना है, जैसे मान लो मेरे को जी कोई वेरिएबल डिफाइन करना है, जी इज इक्वल टू 9.2 करना है। तो यहाँ पे यहाँ से आप डायरेक्ट कमांड देके आपको सीधा रिजल्ट दिखता है। ठीक है, तो ये जगह जहाँ डायरेक्ट कमांड दो आपको रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, और भी कमांड्स होते हैं, मतलब कुछ भी आपको सेव कुछ करना है, कुछ भी आपको एरे डिफाइन करना है, या कुछ भी आप यहाँ पर अपने कमांड विंडो में आप लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये तो हो गया कमांड विंडो का। उसके बाद हम चलते हैं, जैसे आपने जी यहाँ पे डिफाइन किया, ठीक है, अभी मैं सारे वेरिएबल डिलीट कर देता हूँ। क्लियर का मतलब होता है कि आपको जो वर्क स्पेस है, वर्क स्पेस क्या होता है, यहाँ पर जो भी आप वेरिएबल डिफाइन करेंगे, जैसे मैंने अभी जी डिफाइन किया था तो यहाँ पर आ गया होगा उसकी वैल्यू, उसका साइज। हो सकता है आपके में ना आ रहे हो, तो आप यहाँ क्लिक करना, यहाँ पे राइट क्लिक करना, तो आपको अपने आप सेट कर लेना है कि आपको क्या क्या देखना है, वैल्यू, साइज, बाइट्स, क्लास, मिनिमम, मैक्सिमम, रेंज, सब बता देगा जो जो आप करोगे। तो मैंने अभी यहाँ पर सिर्फ वैल्यू और साइज कर रखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फिर मैं करंट फोल्डर पे, अब करंट फोल्डर पे जाते हैं। देखो, आप या मैटलैब खोलोगे, बाई चांस आपके सी ड्राइव में कुछ खुला होगा, कहीं मैटलैब प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम फाइल 32, ऐसे कुछ करके कुछ बहुत लंबा चौड़ा एड्रेस होगा। पर आपको ना अपना सिस्टम, मतलब अपना प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज रखना है। तो जैसे मान लो आज आपका पहला लेक्चर है, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे आप मैटलैब शुरू कर रहे हैं, और ये जो पूरा कोर्स है ना, ये इलेक्ट्रिकल डायरीज से स्पॉन्सर्ड है। इलेक्ट्रिकल डायरीज हमारा ही एक वेबसाइट है, एक हमारा ही एजुकेशन कंपनी है, जहाँ पर हम ये पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब कुछ बताते हैं। बेसिकली वी फोकस ऑन गेट, और उसके बाद हम सब चीज़ें बताते रहते हैं, और धीरे धीरे अपडेट चलता रहता है उस पर। तो आप उस पर जाइए, आपको कुछ डाउट्स हैं आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, हम आपका तुरंत जवाब देंगे। आपको कुछ नहीं आता, आपको कुछ समझना है, आप वहाँ पे डाल सकते हैं, हम आपका तुरंत जवाब देंगे। कुछ भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो अभी जाते हैं। देखो, मान लो सी में हो आप, तो मान लो आप बहुत लंबा जो एड्रेस है, तो आप करना यहाँ पर क्लिक करना है, तो आपके कंप्यूटर में जितने ड्राइव्स होंगे वहीं आ जाएंगे। मान लो आप सी में गए, सी में आपने ये सेव करना है, तो अपने कंप्यूटर में जाना, सी ड्राइव में जाना, वहाँ पे एक फोल्डर बना लेना, उस फोल्डर को नाम दे देना आप इलेक्ट्रिकल डायरीज, मैटलैब इलेक्ट्रिकल डायरीज, मैटलैब। ठीक है, ये आपने दे दिया। अब आपने क्या करा, सी में गए, यहाँ से गए, देखो जहाँ पे काम करोगे वो यहाँ से जाओगे, मतलब इस डायरेक्टरी में हो आप, इलेक्ट्रिकल डायरीज पर क्लिक करोगे, यहाँ पर करंट फोल्डर में आपको इलेक्ट्रिकल डायरीज दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक पहला, जैसे मान लो आपको लेक्चर बना है, तो आपको एक बनाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर न्यू फोल्डर कर दोगे। आपको कोई फाइल बनानी होती है, स्क्रिप्ट में बताऊंगा बाद में, तो यहाँ पे न्यू करके, मतलब आपको न्यू फोल्डर बनाना है। इस फोल्डर में आपने लिख दिया लेक्चर 1, मतलब लेक्चर 1 में हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। और देखो यहाँ पे फोल्डर नाम याद बनाते वक्त याद रखना कि मैटलैब में स्पेसेस वैलिड नहीं होते, तो आप अंडरस्कोर यूज कर लो, बहुत अच्छा लगता है, मतलब सिंक एक कायदा बना रहता है। तो लेक्चर 1 में है इस वक्त, तुम्हारा करंट फोल्डर क्या है, सी में इलेक्ट्रिकल डायरीज, मैटलैब फोल्डर में एक लेक्चर 1 फोल्डर बनाया है, हम उस वक्त वहां पर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर जाके हमेशा इसको जो भी हो, देखो ये क्या है, इज नॉट इन योर मैटलैब पाथ,
तो इसको ना पाथ में लाना। पाथ में मतलब कि अब आपको मैटलैब को बताया कि देखो मेरे को इसी फोल्डर में काम करना है, तो अगर आप मान लो आपकी फाइल कोई पुरानी फाइल है आपकी, वो किसी और पाथ में पड़ी, कोई और लोकेशन में, और वो उसके पाथ में नहीं है, तो वो आपका ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यहाँ पे एरर दे देगा, ठीक है। तो इसलिए एड टू पाथ हमेशा कर देना सिलेक्टेड फोल्डर और इसके अंदर के सब फोल्डर। मान लो आपको कभी लेक्चर वन के अंदर कोई सब फोल्डर बनाना पड़े तो वो, तो ये सारी चीजें अब हो गई एड टू पाथ। अब आपका मैटलैब, आप यहाँ पे काम करेंगे, आपके कुछ ऐसे एरर नहीं आएंगे, जैसे आपने कभी कोड रन किया होगा तो उसको पूछता है कि एड टू पाथ करना है या नहीं करना है, तो वो सारी दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये हो गया पहला स्टेप, हमेशा मैटलैब खोलते अपना फोल्डर डिफाइन करो कि इसको अपना वर्क फ्लो बनाओ अच्छे से, कि मैं यहाँ पर आज लेक्चर वन में काम करने वाला हूँ, अब मैं लेक्चर वन के अंदर चला गया, ठीक है। अब मैं कोई भी फाइल बनाऊंगा मेरी यहाँ जाएगी, ठीक। अभी मान लो ये अब आप हम आ गए इसमें है कमांड विंडो में, ठीक है। तो अभी हमने पता लग गया हमको एक कमांड विंडो जगह होती है, एक वर्क स्पेस। अच्छा वर्क स्पेस बता रहा था मैं आपको, जैसे मान लो वेरिएबल डिफाइन करो एच इज इक्वल टू 56, ठीक है। तो मतलब एक एच एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने 56 दे दी है, तो देखो वर्क स्पेस में ना एच आ जाएगा। देखो एच आ गया, देखो एच इसने कैसे यू स्टोर किया है डबल। अब डबल इंट ये फ्लोट ये क्या थ्योरी होती है मैं आपको बताऊंगा। देखो डबल में क्या होता है, आप कोई भी डेसिमल नंबर स्टोर कर सकते हो, आप बस ऐसे समझो, उसका बाइट भी मतलब ज्यादा मेमोरी होती है उसके लिए एलोकेटेड, तो आप उसमें बड़ा नंबर भी स्टोर कर सकते हो। इंटीजर में सिर्फ आप इंट स्टोर करते हो। मैटलैब की खासियत है कि अपने आप ही ये डेटा टाइप कहते हैं इनको, फ्लोट इंटीजर इन सबको, तो इनको ये अपने आप ही डिफाइन कर देता है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बताऊंगा कि कब चिंता करते हैं, ठीक है। हम प्रॉब्लम्स भी करते रहेंगे और बहुत फन बनाएंगे इस चीज को, चिंता मत करिए। अभी मेरे साथ रहो कि वर्क स्पेस में क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया जिसकी वैल्यू 56 है, और इस वेरिएबल का साइज क्या है 1 x 1, मतलब ये हर चीज को मैटलैब हमेशा एरे के फॉर्म में रखता है, ये मैट्रिसेस में। आपको समझ आता होगा 1 x 1 का मतलब क्या है, देखो तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे आपको पता ही होगा, जैसे कि मैट्रिक्स दे रखी है हमको 2 3 4 6, तो इसका कैसे लिखते हैं, इसका साइज क्या है 2 x 2, मतलब इसमें 4 वेरिएबल होंगे, इसमें 2 रो 2 कॉलम। तो ऐसे ही जैसे मान लो उसने मैंने जी इज इक्वल टू या अभी एच इज इक्वल टू 56 डाला था, तो मैटलैब ने क्या करा 56 को एज एन एरे स्टोर मतलब मैट्रिक्स स्टोर कर लिया। इसका इसका ऑर्डर क्या है 1 x 1, 1 रो 1 कॉलम, समझ रहे हो। तो ये है P. तो ऐसे चलता है, ठीक है। तो बस अभी आपको समझना है कि कमांड विंडो एक जगह होती है जहाँ हम कमांड्स लिखते हैं कुछ भी डायरेक्ट, वो सीधा एग्जीक्यूट होती है एंटर दबाते ही। वर्क स्पेस होता है जहाँ पे वो जो भी आप वेरिएबल दोगे डिफाइन करोगे या जो भी आपके बन के आएंगे बाद में कंप्यूटर पर कोड रन करने के बाद, वो आपके वर्क स्पेस में हो जाते हैं स्टोर। करंट फोल्डर का मतलब समझ में आ गया कि करंट फोल्डर का मतलब कि हम इस फोल्डर में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई बेसिक बेसिक चीजें। बाकी आपको क्या करना है कि जैसे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, जैसे मान लो कोई कमांड, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, जैसे मैटलैब में मान लो प्लॉट एक कमांड है। अब आपको ये नहीं पता, आपको ये पता है कि प्लॉट एक कमांड होती है, उसको यूज करने से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, पर आपको ये नहीं पता कि उसको हमें यूज कैसे करना है। यूज का मतलब कैसे कि प्लॉट का एक हर कमांड का सिंटेक्स होता है, मतलब प्लॉट आप एक कुछ भी कमांड दोगे उसके अंदर आपको कुछ वैल्यू मतलब बताना पड़ेगा ना उसको कि भाई मेरे को एक्स और वाई मेरे ये वेरिएबल है इनके बीच में प्लॉट करना है, तो उसे बताओगे कैसे। आपको इतना पता है कि प्लॉट एक कमांड होती है, आपको उसके बारे में नहीं पता, तो आप क्या करोगे, टाइप करोगे इसमें HELP, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यही है मैटलैब। अगर आपको बस ये आ गया ना हेल्प यूज करना, तो आप सब कर लोगे। आपके दिमाग में होना चाहिए अच्छा मुझे ये करना है, ऐसा कुछ होता है तो आप हेल्प डालो, अपनी कमांड डालो, देखो अलग कलर से आ जाएगी वो अपने आप ही, उसको एंटर करो। वो बिजी दिखा रहा है, अब इसने बता दिया कि देखो जी प्लॉट में ये होता है, देखो एग्जाम्पल तक बताता है ये। देखो प्लॉट को पढ़ समझ नहीं कुछ करते हैं, प्लॉट क्या करेगा, प्लॉट अगर एक्स कॉमा वाई डालोगे तो एक वेक्टर वाई को एक्स के वाई वर्सेस एक्स का कर्व ग्राफ दे देगा, ओके। और वाई प्लॉट्स द और देखो ये पूरा है कि इसमें आगे क्या करना है, मान लो एक्स कॉमा वाई प्लॉट करना है, पहले एक्स एक्सेस डालो, पहले वाई फिर वाई एक्सेस वाला वेरिएबल डालो। अब आपको किस कलर से करना है, तो सी का मतलब देखो स्यान, प्लस मतलब प्लस के साइन आएंगे उसमें, और ये इसका मतलब है कि डॉटेड लाइन आएगी। प्लॉट्स अ स्यान डॉटेड लाइन विद अ प्लस एट ईच डेटा पॉइंट, देखो ये है इसका मतलब। तो कितना खूबसूरती से इसने सब आपको
बता दिया। तो मैटलैब की यही खास बात है कि आपको ये हेल्प यूज करना आना चाहिए। आपके दिमाग में कुछ, अब आपको ऐसे हेल्प अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, आपको पूरा एक पेज ही चाहिए, तो आप टाइप करो DOC हेल्प, तो अभी पूरा जो, सॉरी DOC प्लॉट, तो प्लॉट का ऊपर जो पूरा इसका डॉक्यूमेंट होगा वो खुल के आ जाएगा। डिटेल्ड में देखो मैटलैब डॉक्यूमेंटेशन में जो भी प्लॉट का होगा सब आ जाएगा, इसमें एग्जाम्पल तक खुल के आता है। आपको स्क्रिप्ट भी मिलेगी, आप इस कमांड को रन करोगे कि इसका मतलब क्या है। देखो एक्स में क्या करा है मैं बताऊंगा आपको कैसे करा है। एक्स में क्या वैल्यूज है हमारी, 0 से 2 पाई तक की वैल्यूज है, ठीक है। अभी इसको भूल जाओ क्या है ये। और वाई है मेरा फंक्शन जिसको मैंने बोला है कि तू साइन एक्स है, तो ये तो हमें पता ही है वाई इज इक्वल टू साइन एक्स है। एक्स की वैल्यूज हमने इसे बता दी कि 0 से लेके 2 पाई तक ले ले। अब हमने इसे बोला कि भैया तू प्लॉट कर एक्स कॉमा वाई को, तो साइन एक्स का मतलब ये हुआ कि हमें एक्स बदलता जाएगा, हमको साइन देखना है, तो साइन का देखो इसने कर्व प्लॉट कर दिया 0 से 2 पाई तक के थे। बस यही है। अब इसमें और जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं वो आती रहेंगी, तो ऐसे करके आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो मैं मतलब इस पूरे चीज को आपको बताने का मकसद यही था कि आपको हेल्प डॉक ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इस लेक्चर मतलब कुछ भी आपको आए तो यहाँ से आप आराम से अपने आप चीजें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब ये लाइन विड्थ क्या है तो आप अपने आप पढ़ लेना है, आपको समझ में आ जाएगा। और भी देखो सब बताता है कि देखो ऐसी आपको प्लॉट करना है तो हो सकता है आपको इन इन कमांड्स की जरूरत भी पड़े, तो आपको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है हर चीज, आपको बस हल्का आइडिया होना चाहिए। अच्छा ऐसा कुछ होता है, वो टाइप करा, हेल्प करा, सिंटेक्स आ गया, अपने आप लगा लिया। तो ये होता है मैटलैब में, बस आपको ये पता होना चाहिए ये चीजें हैं, इसका आइडिया होना बहुत जरूरी है। तो आज के इस लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। इसमें सिर्फ हमने सीखा कि कमांड विंडो एक जगह होती है जहाँ पे आप कमांड सीधा लिख सकते हो, एंटर करते हो, एग्जीक्यूट हो जाती है। और ये हमेशा याद रखना है, जैसे जावा अगर आपने करी हो कभी, तो मैटलैब जो कमांड होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। और आगे डिटेल में देखेंगे इसको। और वर्क स्पेस है एक जहाँ पे हमारे वैल्यू वेरिएबल जो भी आप डिफाइन करोगे सब स्टोर होंगे। अब इसमें एरे कैसे डिफाइन करते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। और करंट फोल्डर मतलब ये सबसे पहले आपको सेटिंग करनी है जाते ही अपना, जिससे आपका तरीके से काम होता रहे कि आपको सारी फाइलें इसमें बनानी है ऐसा करके। तो हमेशा इसको ऐड टू पाथ करना ना भूलें, जिससे आपको बाद में कोई एरर ना आए रन करते वक्त। तो आज हमने 3-4 चीज़ें सीखी इस लेक्चर में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप इलेक्ट्रिकल डायरीज हमारी वेबसाइट पर जाके लिखिए, आप मेरे को फेसबुक पेज पर भी पिंग कर सकते हैं, और जल्द ही मैं इसका इंस्टाग्राम पेज भी बनाऊंगा अगर मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और स्टे ट्यून्ड, हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा जल्द, जल्द मतलब कल। ओके, सो जब तक शब खैर, बाय एंड थैंक यू, थैंक्स लॉट।